दोस्तों स्वागत है रवि शर्मा पुष्कर चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलाने जा रहा हूं जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कभी स्कूल नहीं गई है, पर फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। ये वीडियो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य शिक्षण संस्थानों के बच्चों के लिए जो इंग्लिश को एक भ्रम समझते हैं, इंग्लिश को एक कठिन लैंग्वेज समझ सकते हैं। पर देखिए किस प्रकार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएँ फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है। आइए मैं दिखाता हूँ, ये पुष्कर का एक इलाका है जहाँ पर काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं और मेहनत करते हैं और किस प्रकार से अपनी आजीविका का पोषण करते हैं। हेलो, नमस्ते। विच योर कंट्री? वी आर फ्रॉम इटली। इटली, चाओ। चाओ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। यू फ्रॉम? यस, पुष्कर। माय फ्रॉम पुष्कर, आई लिव इन टेंट इन ब्लैक डेजर्ट। एंड व्हेन यू कम? Pushkar. 2 weeks ago. Tell place. How you like the Pushkar? All. All. People. Lake. Yes. Brahma temple. You make some business? Yes. Holiday. 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 And this, your baby? This my son. My son, my daughters. How are you? Get a fine? Fine. What's your name? This name is Prince and Karina. Karina. Nice to meet you, Karina. Nice to meet you. You have also children? You have a children? I have 2 children. Ah, 2 children. One boy, one girl. Girls. Girl. And I have 4. 4. 4 girls. Yeah. I have big son, 11 years old. And another daughter, mine, 9 years. And one son, my 7 years. And my little daughter, 4 years. 4 years, smaller. Your baby go to school? Of course my children they're going to school because I never been to school. Because when I am child and my parents lose and I go street, I make the begging, and now I don't want like I teach the same job my children. And that way for now I my feel, my dream, I want like my because children go to school. When I'm starting to school, I've never been to school and I never see school. Just I going market in history, I follow trees and I learn the English. You speak good English. Good English. Good English. Yes. This is important because you can speak with the people. Also for your baby. Important because your baby listen you and start to yeah, speak. Yeah, my baby also is starting little speaking English. Slowly. Because I want she more need also little time. Yes, this is important for the future. For and I also learn more to English. I like, yes, because I never been in school. Because I speak for tourists. I translate tourists. I listen here and I thinking what she speak, and then I speak good. This is important. And I want more to. When I'm child, like my age, like 7 years, I'm baby. I go study in market and I follow to tourists. दोस्तों देखा किस प्रकार से फर्राटेदार इंग्लिश यहाँ पर बोली जा रही है इन पुष्कर की महिलाओं के द्वारा। एकदम कभी स्कूल नहीं गई, कभी स्कूल की डेहरी नहीं चढ़ी, बट इंग्लिश देखिए इनकी फर्राटेदार। इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। यस, वी हैव सम समथिंग फॉर योर बेबी, फॉर अ हेल्प। Yes. Thank you. Yes. Where are you from? Italy. Roma. 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 What's your yes. name? Vanessa. My name is Vanessa. My name is Claudia. Vanessa और Claudia यहाँ पुष्कर आई है, और आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है, इसका नाम सांद्रा। सांद्रा, आप स्कूल कभी गई? नहीं। कभी नहीं गई? नहीं। आप बताइए हमारे भारत के छात्रों को, आप कभी भी स्कूल नहीं गई और इंग्लिश बोलती है बहुत ही फर्राटेदार। मैंने कभी अपनी जिंदगी, इतनी बड़ी हो गई, मैं 7 साल की थी जब मैं मार्केट पे गई थी, वहाँ पे मैंने इंग्लिश सीखी थी और मैंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा। और आपने? हमने भी नहीं देखा कभी स्कूल का मुंह। तो दोस्तों देखिए, मेहनत, ईमानदारी और लगन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ सिखा देती है। तो इंग्लिश आप भी बोलिए, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स मारिएगा, और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि पंडित जी के नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और मुझे यहाँ लगा ये लोग काफ़ी सारे इनकी हेल्प करने के लिए कुछ आइटम्स भी लेकर के आए हैं। थैंक यू क्लाउडिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।